पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है एक बहुत ही हुनरमंद लड़की की, जिसने सुपर स्टारडम हासिल किया सिर्फ एक्टिंग के जरिए ही नहीं बल्कि अपनी मखमली मधुर आवाज के जरिए भी। नाम है श्रुति हसन। श्रुति हसन का जन्म 28 जनवरी सन 1986 में हुआ। जगह चेन्नई, तमिलनाडु। इनके पिता जाने माने सुपरस्टार कमल हासन हैं और माँ सुपरस्टार सारिका ठाकुर। इनके पिताजी दक्षिण भारत से आते हैं और माँ महाराष्ट्र से। इनकी छोटी बहन है अक्षरा हसन, जो खुद एक अभिनेत्री हैं। श्रुति हसन ने सेंट एंड्रयूज कॉलेज से पढ़ाई लिखाई की। उसे पहले लेडी आंडल स्कूल में पढ़ी थी, जो कि चेन्नई में है, और मुंबई के सेंट एंड्रयूज कॉलेज से इन्होंने साइकोलॉजी की पढ़ाई पूरी की। ये जब बहुत छोटी ही थी तब ये बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई थी अपने पिताजी की फिल्म हे राम में, जिसमें ये वल्लभ भाई पटेल की बेटी बनी नजर आई थी। ऐसा बताया जाता है कि माधवन के साथ ये अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली थी जब ये बड़ी हो गई। फिल्म निशिकांत कामत बनाने वाले थे, लेकिन इससे पहले ये फिल्म बनती वो डिब्बे में बंद हो गई। उसके बाद सोम शाह की हिंदी फिल्म लक में ये नजर आई। इनके साथ थे इमरान खान। श्रुति हसन ने तेलुगु डेब्यू किया सिद्धार्थ के साथ। फैंटेसी फिल्म थी अनंगांगा ओ धीरुडू, जिसे प्रकाश कोवलमुडी ने डायरेक्ट किया था। ये मधुर भंडारकर की हिंदी फिल्म दिल तो बच्चा है जी में भी नजर आई थी। श्रुति हसन नहायत ही खूबसूरत हैं, इसमें तो कोई दोराय नहीं, और टैलेंट भी कूट कूट के भरा है, क्योंकि माता पिता दोनों ही कमाल के कलाकार हैं। ऐश्वर्या की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म तीन में ये धनुष के साथ को स्टार करती नजर आई थी। इस फिल्म ने इनका करियर बदल के रख दिया, लेकिन इसके पीछे भी कहानी है। श्रुति हसन के पास डेट्स नहीं थी, लिहाजा अमला पॉल के साथ इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, और फिर चीजें इस तरह से बदली कि श्रुति हसन को दोबारा साइन किया गया। ऐश्वर्या वही हैं जो कि सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी हैं, और श्रुति हसन सुपरस्टार कमल हासन की। ये शंकर की तेलुगु फिल्म गब्बर सिंह में नजर आई थी, जो कि हिंदी फिल्म दबंग का रीमेक रही। इसमें इन्होंने सोनाक्षी सिन्हा वाला किरदार निभाया था। किरदार का नाम था भाग्यलक्ष्मी। रवि तेजा के साथ ही नजर आई। प्रभु देवा की फिल्म रवैया वस्ता भैया में भी नजर आई थी। निखिल अडवाणी की फिल्म डी डे में भी इन्होंने कमाल का काम किया था। इन्होंने कुछ आइटम नंबर्स भी किए। उसके बाद फिल्म तेवर में भी इनका एक आइटम नंबर आया। सन 2016 में ये रॉकी हैंडसम में नजर आई थी। तकरीबन 3 साल के लिए ये फिल्मों से जरा दूर हुई। फिर आई शॉर्ट फिल्म देवी, जिसके बाद आई यारा, जिसमें इनके सामने थे विद्युत जामवाल। श्रुति हसन का करियर कभी एकदम उफान पर रहा तो कभी एकदम मध्यम, लेकिन इनकी गायकी ने सभी का दिल जीत लिया। इनकी आवाज में एक अजब कशिश है, और यही वजह है कि इनके टैलेंट्स सभी को सरप्राइज करते हैं। 2010 की फिल्म लक के लिए इन्हें अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था, और 2010 की फिल्म उनाई पोल ओरुवन में बेस्ट इंट्रोड्यूस म्यूजिक डायरेक्टर कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। श्रुति हसन लगातार स्लोली एंड स्टडीली अपना करियर आगे बढ़ाती रहीं। अपनी गायकी, अपना अभिनय, अपनी खूबसूरती, अपना बिंदास अंदाज इन्होंने दुनिया के सामने रखा, और इन्हें बहुत पसंद किया गया। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।